दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों इस स्क्रीनशॉट में क्या है मैं उसको आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे इस स्क्रीनशॉट में ये है कि जो है स्कॉलरशिप के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, उसके बाद यहाँ पे आपका जो है अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेनिफिशियरी नेम लिखा हुआ है, स्कीम नेम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये स्कॉलरशिप की यहाँ पे डिटेल सब कुछ दी हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्कीम नेम लिखा है, तो आप देख सकते हैं यूपी जो है प्री मैट्रिक की जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो प्री मैट्रिक की स्कॉलरशिप आ रही है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देखें, अगर यहाँ पे देखिए यूपी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का यहाँ पे स्क्रीनशॉट है। और दोस्तों ये जो जो डेट दी गई है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 18/1/2020 यानी कि 18 तारीख को ये स्कॉलरशिप आई हुई है। और कितना पैसा आया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, 3,000 रुपये यहाँ पे लिखा हुआ है। यदि आप नहीं देख पा रहे हैं तो ये देखिए मैं जूम कर दिया हूँ, 3,000 रुपये जो है स्कॉलरशिप आई है। और स्टेटस यहाँ पे सक्सेस हो चुका है, मतलब कि स्कॉलरशिप खाते में आ चुकी है। और यहाँ पे बैंक की ट्रांजेक्शन डेट भी दी गई है 18/1/2020। तो ये जो है बहुत ही बड़ी न्यूज है कि जो है स्कॉलरशिप आनी स्टार्ट हो गई है। सभी स्टूडेंट्स अपना जो है बैंक खाता जरूर चेक करें, और मैं आपको स्टेटस बता रहा हूँ कैसे चेक करना है उसको आप जरूर देखें। दोस्तों स्कॉलरशिप आनी स्टार्ट हो गई है, आपको कैसे चेक करना है, सबसे पहले गूगल में जाना है और यहाँ पे गूगल में लिखना है सरकारी जॉब फाइंड SARKARIJOBFIND, सरकारी जॉब फाइंड करके सर्च कर देना है। जैसे दोस्तों आप सरकारी जॉब फाइंड सर्च कर देंगे तो वेबसाइट आपको फर्स्ट नंबर पे मिल जाएगी, सरकारी जॉब फाइंड.com के नाम से आप इसको ओपन कर लीजिए। जैसे वेबसाइट ओपन होती है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको ये देखिए ओपन हो गए, उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेक्शन मिलेंगे यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2019-20 और यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस विद बैंक अकाउंट नंबर। तो दोस्तों यदि आपने अपना स्टेटस चेक कर लिया है और आपका रिकमेंडेड दिखा रहा है आपकी स्कॉलरशिप, तो बिल्कुल आप जो है इससे यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस विद बैंक अकाउंट नंबर पे क्लिक करके चेक करिएगा। यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2019-20 पे यदि आपने अभी तक अपना स्कॉलरशिप का स्टेटस नहीं चेक किया है, तो बिल्कुल आप जो है इससे भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, लेकिन बैंक खाता डाल के इस वाले पे क्लिक करना है। तो इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे इस पे क्लिक करूँगा दोस्तों, एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगी, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट लिंक्स करके दी हुई है। तो इंपॉर्टेंट लिंक्स पे जो है थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको लिखा है चेक स्कॉलरशिप स्टेटस फॉर ऑल कैंडिडेट। तो यहाँ पे आप जो है अपना वो वाला स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो एक लिखा है चेक स्टेटस विद बैंक अकाउंट नंबर सभी के लिए, उसके सामने जो क्लिक है वहाँ पर क्लिक करिएगा तो एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही चेक करिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ, और आप जो है तभी आपका हो पाएगा। और यहाँ पे दोस्तों आपको बैंक डालनी है, यहाँ पे खाता नंबर डालना है, यहाँ पर एक बार और खाता नंबर को कंफर्म करना है, और यहाँ पे आपको कैप्चा भरना है। जैसे ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आएगा, सर्च पे क्लिक करके आप जो है अपनी स्कॉलरशिप चेक कर पाएंगे। तो इस तरह से आप जो है अपनी स्कॉलरशिप चेक करिएगा, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिखा देगा कि आपकी स्कॉलरशिप कितनी आई है और कितनी आने वाली है, पेंडिंग में है, कैसे सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा देगा। तो इस तरह से आप चेक जरूर करिए अपना स्टेटस, क्योंकि बहुत सारा स्टेटस सही हो गया है और सभी की स्कॉलरशिप आ रही है। यदि आपने अभी तक वो वाला स्टेटस नहीं चेक किया है जो है अपना जो है वेरीफाइड और रिकमेंडेड वाला, तो आप चेक स्कॉलरशिप स्टेटस फॉर ऑल कैंडिडेट यहाँ पे जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करके उसके सामने जो है क्लिक हेयर पे क्लिक करिएगा। जैसे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे अपनी क्लास सेलेक्ट करके अपना स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं सारी क्लासेस वगैरह आ गई, जैसे फ्रेश रिन्यूअल जो भी हो आप अपना स्टेटस यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप ऐसा करेंगे तो आपकी स्कॉलरशिप पता चल जाएगी कहाँ पर आई है कहाँ पर नहीं है। और स्कॉलरशिप दोस्तों आना स्टार्ट हो गई है, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन शॉट में भी दिखाया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। तो स्कॉलरशिप आना स्टार्ट हो गई है दोस्तों, आप जो है अपना स्टेटस जरूर चेक करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, जिससे आप लोगों की स्कॉलरशिप कोई भी मिस ना हो स्टूडेंट्स की और कि यहाँ पे स्कॉलरशिप आ सके। तो ये वीडियो यहीं तक थी, मुझे उम्मीद है अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।